हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मटर की चटपटी पूरियां बनाने जा रहे हैं। वैसे भी मटर का सीजन है और इसमें अगर हम मटर की चटपटी पूरी बनाते हैं, यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनेगी। चलिए फिर बनाते हैं मटर की चटपटी पूरी। मटर की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मटर लिया है, एक जार लिया है, इसमें हम मटर को डालेंगे। मटर में हम दो हरी मिर्च डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से इसका कैप लगा कर इसको हम पीस लेते हैं। हमने इसे पीस लिया है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसे इस तरीके से हम बारीक पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में मैंने आटा लिया है और इसके अंदर इस पेस्ट को डालेंगे मटर के। अब हम इसमें डालेंगे रेड धनिया जिसे हमने कूट रखा है, और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चम्मच, अजवाइन डालेंगे एक चम्मच हाथों से मसल कर, थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया के पत्ते, दो चम्मच ऑयल डालेंगे सरसों का, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका एक डो हम तैयार कर लेते हैं। आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है और आटे का जो डो है वो हम थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे, क्योंकि पूरी का हमेशा डो जो है टाइट ही रहता है। चलिए इसे हम ढक देते हैं। चलिए अब हम डो को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा डो जो है बनकर रेडी है। चलिए इसे हम एक बार और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे आटे को। आटे को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। चलिए इसकी अब हम लोई तैयार कर लेते हैं। इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। यह देखिए, चलिए लोइयों को हम बेल लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे लोई के ऊपर दोनों साइड से, और इसे हम बेल लेते हैं। इसे हम घुमाएंगे नहीं, मैं इसी तरीके से ही मैं बेलूंगी इसे ओवल शेप में। यह देखिए, इस तरीके से मैं बेल कर तैयार कर लूँगी पूरियों को। आप चाहे तो सर्कल या किसी भी शेप में आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। सभी पूरियों को मैं इसी तरीके से ही बेलूँगी। यह देखिए, पूरियों को मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। चलिए अब हम पूरियों को इसके अंदर डालते हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए, तभी हम पूरियों को इसके अंदर डालेंगे।
यह देखिए खिली खिली सी फुली फुली सी हमारी पूरियाँ जो है बनकर तैयार हो रही है। इसको दोनों साइड से हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम पूरियों को निकाल लेते हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटर की चटपटी पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं। यह बहुत ही टेस्टी है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।